रुख करते हैं अगली खबर का। यह खबर है रायपुर से। 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस के अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक हुई। इस बैठक प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का का बड़ा बयान, मोर्चा और प्रकोष्ठों में तालमेल की कमी दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो मोर्चा प्रकोष्ठों को काम में कसावट लाने के निर्देश दिए गए। हर महीने कार्यक्रम की रिपोर्ट देनी है। सप्तगिरी उल्का ने कहा, सरकार के कामकाज को सही तरीके से पहुंचाने की जरूरत है। चुनाव में करीब 1.5 साल बचे हुए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस की ओर से जो प्रभारी हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रभारियां लगातार कार्यक्रम कर रही हैं। तो हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज आपने मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठक ली, 2023 को लेकर के क्या मंत्र दिया? आज डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म जयंती था, तो यूथ कांग्रेस का एक बैठक थी जिसमें अम्बेडकर जी का जो भी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, कांग्रेस का आइडियोलॉजी है, कांग्रेस फिर से जीतना क्यों ज़रूरी है, ये हमारे युवा कांग्रेस के साथियों को बताया, ताकि वो जाके ये मैसेज युवा साथियों को पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ। उसके साथ साथ आज जो 2 दिन का मेरा टूर है, उसमें जितने डिपार्टमेंट्स हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने सेल्स हैं, जैसे महिला कांग्रेस हो गया, सेवा दल हो गया, आदिवासी कांग्रेस या SC कांग्रेस हो गया, सबसे एक रिव्यू मीटिंग हुआ। हम चाहते हैं कि जितने सारे सेल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं एंड जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, उनका दिशा ठीक है कि नहीं है, उनका स्ट्रैटेजी ठीक है कि नहीं है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बातचीत कर रही है कि नहीं कर रही है, एंड सब अंत में अपना संगठन को कैसे मजबूत कर पाएँ, ताकि सरकार का जो नीतियाँ हैं, जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है अपने माननीय मुख्यमंत्री से भूपेश बघेल का, ये लोगों तक पहुँचा पाए। एंड 2023 इलेक्शन में हर एक मोर्चा संगठन, हर एक डिपार्टमेंट, सेल, ये सब मिलजुल के कैसे हम लोग इलेक्शन जीत पाएंगे 2023 भी एंड 24 भी, उसी के हम लोग प्रयास कर रहे हैं अभी। अच्छा, एक चीज़ कि पिछली दफ़ा जब कांग्रेस यहाँ विपक्ष में थी, तो ये जो संगठनात्मक गतिविधियाँ हैं खासतौर से प्रभारियों की, वो करीब 1.5 साल पहले ही, 1 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, और उसमें जो प्रभारी सचिव थे जिसकी जिम्मेदारी पर अभी आप हैं, उन लोगों को एरिया दे दिए गए थे कि इन एरिया में काम करना, तो इस बार भी आप लोगों के जिम्मे एरिया है? मैं बिल्कुल है, बस्तर एंड सरगुजा का दायित्व में मैं हूँ एंड कोरबा भी मैं देख रहा हूँ, बाकी जो मिडिल एरिया से प्लेन लैंड से, इसमें चंदन यादव जी देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सप्तगिरी उल्का, जो बता रहे थे कि संगठन के को काम काज जो सरकार का है वो ले जाना है, वो ज़्यादा सक्रियता के साथ करना एक चैलेंज है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तालमेल जो है सत्ता और संगठन के बीच में, वो फिलहाल बढ़िया है। कैमरा मैन श्याम के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता, News 24। तो रायपुर से यह अहम खबर, 2023 की तैयारियों में यहां पर कांग्रेस जुटी हुई है, तो इसको लेकर कांग्रेस के अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक भी हुई।